जिसके घर में बाहुबली जाएगा उसके घर में पैसों का बाहुबली आएगा, इच्छा का बाहुबल आएगा, उसका बच्चा पढ़ लिख के बाहुबली बनेगा, अपने सपने पूरे करेगा। तो बाहुबली को बनाया भी इस तरीके से है, जिसके घर में जाए वो खुशहाली लेकर आए, लक्ष्मी माता का कृपा हो उसके ऊपर, वो उस तरीके से बाहुबली को बनाया। और हमारी टेक्निकल टीम है जो लगातार हमारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, हमारे इंजीनियर हैं जो इसके मजबूत चेसिस बनाते हैं, पेंट की क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, पूरी की बॉडी को इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसके पास एक बार बाहुबली जाए वो हर रोज़ गंगा नहाने जैसा आनंद ले। तो बाहुबली का जिस तरीके से हमने इसको बनाया, जो इसकी लुक्स हैं वो बड़ी सुंदर हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आगे से जैसे एक पहलवान होता है, एक मजबूत होता है ना, कि छाती चौड़ी कमर पतली इस तरीके से होता है, उस तरीके से बाहुबली को भी बनाया गया है, उस सुंदरता का भी पूरा ध्यान रखा गया है इसके अंदर। तीसरा है इसकी माइलेज, बाहुबली की माइलेज आज जो हम हमारी काफ़ी सारी ई रिक्शा की रेंज है तो 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक का माइलेज भी इसके अंदर आज आता है। तो ये तीन विशेष कारण हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार और आप देख रहे हैं एज न्यूज़। दोस्तों, यूपी बिहार और पूरे भारत देश में बाहुबली का ई रिक्शा छा गया है और लोग खूब पसंद कर रहे हैं। और इतनी शक्तिशाली रिक्शा हो तो क्यों नहीं लोग पसंद करेंगे। और इस शक्तिशाली रिक्शा के खोज करने वाले बाहुबली के संस्थापक दिनेश गोयल जी हैं अभी हमारे साथ। सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद। मैं बहुत अच्छा हूँ सर। आपका बाहुबली का ई रिक्शा इतना मजबूत, इतना शक्तिशाली कैसे है, हम पहले ये जानना चाहेंगे। क्योंकि जितने भी बाहुबली के रिक्शा खरीद रहे हैं बाहुबली का, लोग का जब मैंने भी रिव्यू किया है तो वो बताते हैं कि बहुत अच्छी रिक्शा है और अच्छे पैसे कमा रहे हैं और बहुत टिकाऊ, बहुत मजबूत है। देखिए, मजबूत बाहुबली क्यों है, वो इसलिए क्योंकि बाहुबली नाम ही ऐसा है जी। जब बाहुबली को बनाया था, इस सोच के साथ बनाया था कि जिसके घर में बाहुबली जाएगा जी, उसके घर में पैसों का बाहुबली आएगा, इच्छा का बाहुबल आएगा, उसका बच्चा पढ़ लिख के बाहुबली बनेगा, अपने सपने पूरे करेगा। तो बाहुबली को बनाया भी इस तरीके से है, जिसके घर में जाए वो खुशहाली लेकर आए, लक्ष्मी माता का कृपा हो उसके ऊपर, वो उस तरीके से बाहुबली को बनाया। और हमारी टेक्निकल टीम है जो लगातार हमारे प्रोडक्ट के ऊपर काम करती है, हमारे इंजीनियर हैं जो इसके मजबूत चेसिस बनाते हैं, पेंट की क्वालिटी का ध्यान रखते हैं, पूरी की बॉडी को इस तरीके से बनाया जाता है कि जिसके पास एक बार बाहुबली जाए वो हर रोज़ गंगा नहाने जैसा आनंद ले। बहुत अच्छी बात कही आपने। हम तो जानते हैं क्योंकि हम उस प्रोडक्ट की रिव्यू किए हैं, तो मुझे पता है कि वो कितना बेहतर है। हम आपसे जानना चाहेंगे और हमारे दर्शकों को भी बताइए कि बाहुबली रिक्शा बाकी और रिक्शाओं से अलग क्यों है। बाहुबली जो सबसे अलग, अगर मैं आपको विशेषताएं बताऊं बाहुबली की, जैसा कि अभी आपने कहा, सबसे बड़ी जो विशेषता है बाहुबली की वो है बाहुबली की मजबूती, बाहुबली की ताकत जी, जो ना थकने वाली है ना टूटने वाली है जी। बाहुबली जिस तरीके से चलता है तो जो उसकी स्ट्रेंथ है 5 साल तक कहीं कुछ दिक्कत नहीं आती है। काफ़ी सारे रिक्शाओं में मैंने देखा है कि रिक्शा 2 साल के अंदर टूट जाते हैं, 1 साल में टूट जाते हैं, लोगों को वेल्डिंग करानी पड़ती है जगह जगह से जी। बाहुबली की जो मजबूती है वो मैं नहीं कह रहा, हमारे जो ग्राहक हैं जो बाहुबली चलाते हैं वो बोलते हैं कि जी बाहुबली 5 साल पहले लिया था, अगली गाड़ी भी लूँगा अगले साल तो बाहुबली ही लूँगा। तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी बाहुबली की वो है स्ट्रेंथ, मजबूती जी। उसके बाद जो बाहुबली का जिस तरीके से हमने इसको बनाया, जो इसकी लुक्स हैं वो बड़ी सुंदर हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आगे से जैसे एक पहलवान होता है, एक मजबूत होता है ना, कि छाती चौड़ी कमर पतली इस तरीके से होता है, उस तरीके से बाहुबली को भी बनाया गया है, उस सुंदरता का भी पूरा ध्यान रखा गया है इसके अंदर। तीसरा है इसकी माइलेज, बाहुबली की माइलेज आज जो हम हमारी काफ़ी सारी ई रिक्शा की रेंज है तो 120 किलोमीटर से लेकर 150 किलोमीटर तक का माइलेज भी इसके अंदर आज आता है। तो ये तीन विशेष कारण हैं जिस कारण से चलती है। उसके अलावा जिस तरह के स्पेयर पार्ट्स हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करते हैं, स्टेनलेस स्टील का उपयोग किया जाता है, CED कोटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, CED कोटिंग पेंट की एक प्रकार है, उसका इस्तेमाल किया जाता है। इन सब चीज़ों से क्या इसका प्रोडक्ट की गुणवत्ता बनती है। एक गरीब आदमी को नहीं पता कि मैं कैसे जाँच करूँ कि मेरा रिक्शा अच्छा है, मजबूत है, अच्छा है, कैसा, उसे कैसे पता लगेगा, वो नहीं पता कर पाएगा। लेकिन बाहुबली एक विश्वास का नाम है कि जब वो इस विश्वास को लेगा तो उसको चिंता नहीं करनी है कि मेरा रिक्शा चलेगा नहीं चलेगा, उसको सिर्फ पैसे कमाने पे ध्यान देना है। अच्छा सर, आप बताएं कि बाहुबली की पेंट की क्वालिटी अच्छी है, बाहुबली की बॉडी पार्ट बहुत मजबूत है, बाहुबली का माइलेज बहुत अच्छा है, तो लोग तो ये सोचेंगे ना कि इतनी अच्छी क्वालिटी की ई रिक्शा बहुत महंगे दाम की होगी, तो बाकी रिक्शाओं से सस्ती है या फिर महंगी है। देखिए, आज हमारे देश में सैकड़ों ई रिक्शा कंपनियाँ आ चुकी हैं जी। सस्ते महंगे की बात ना करते हो, हम बात ये करेंगे कि अगर मान लीजिए कि आज किसी के घर में
किसी को डॉक्टर को दिखाना हो तो किस डॉक्टर को दिखाएगा? उस डॉक्टर को जो झोला छाप डॉक्टर हो और आज दवाई दे दे कल बच्चा बीमार हो जाए, या उस डॉक्टर को दिखाएगा कि एक बार दवाई दी बच्चा ठीक हो जाए चाहे 5 रुपये एक्स्ट्रा लगे। इसी तरीके से बाहुबली है जो, वो वैल्यू फॉर मनी है, जितना पैसा लिया जाता है उससे ज़्यादा की वैल्यू ग्राहक को दी जाती है। अगर आप समझे, रिक्शा तो बहुत सारे रेंज में आते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम उदाहरण के तौर पर कोई शर्ट खरीद रहा है, शर्ट 100 रुपये का भी आता है, शर्ट 150 रुपये का भी आता है, शर्ट 125 रुपये का भी आता है, ये पहनने वाले की इच्छा है कि वो किस तरह का शर्ट पहनना चाहता है। उसी तरीके से ये रिक्शा है कि किस तरीके का रिक्शा वो लेना चाहता है। वो चाहता है कि हर रोज़ मैं मैकेनिक के यहाँ खड़ा रहूँ, वो चाहता है कि मैं हर रोज़ 1000 रुपये ना कमाऊँ, वो चाहता है कि मैं परेशान रहूँ, तो और भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। अगर वो चाहता है कि बाहुबली लूँ तो बाहुबली का रेट भी एकदम मार्केट प्राइस पर ही है। अच्छा, एकदम मार्केट प्राइस पर ही है, एकदम अग्रेसिव हमारी प्राइसिंग है और जो लोग लेते हैं उसको बार बार लेते हैं। बिल्कुल। और एक बात और हम आपसे पूछना चाहेंगे सर, बाहुबली के कई मॉडल्स हैं चाहे पैसेंजर वाले, मुझे गाड़ियों के नाम उतने पता नहीं है, वो हम आपसे जानना चाहेंगे, क्या सभी मॉडल भी बेहतर हैं और मजबूत हैं और टिकाऊ हैं या फिर सिर्फ पैसेंजर वाले हैं? देखिए, बाहुबली का मतलब मजबूती है जी। हम ना, हमने आज तक कभी क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ किया है ना ही हम कभी करेंगे। बाहुबली की अगर मैं पैसेंजर में बात करूँ तो सुपर डिलक्स मॉडल आता है जिसमें स्टेनलेस स्टील का हमारे एसेसरीज लगी होती हैं, उसके अलावा हमारा एक भीम मॉडल भी आता है, उसके अलावा अगर लोडर्स की बात करें जिसको हम लोडर्स बोलते हैं तो लोडर्स में भी हमारे पास क्लोज बॉडी ओपन बॉडी लोडर भी आता है, इसमें एक बंद डाला होता है, एक में क्लोज डाला होता है, वो सब आता है। हम लोग आज के समय में 3 साल तक की भी चेसिस गारंटी देते हैं, अपनी गारंटी की बात कर रहा हूँ, 3 साल की चेसिस गारंटी देते हैं। कुछ केसेस में हम मोटर कंट्रोलर की गारंटी भी 2 साल तक 3 साल तक दे देते हैं, एक्सटेंडेड वारंटी को लेना चाहे तो वो भी हम लोग देते हैं जी। तो ये दर्शाता है कि हमारा प्रोडक्ट की मजबूती पर कितना कॉन्फिडेंस है जी। और सर एक चीज़ और हम देखे हैं, बाहुबली का जितने भी कस्टमर हैं और उनको तो विश्वास ही हैं और जो इस्तेमाल कर रहे हैं उनका अच्छा फीडबैक भी आया है, लेकिन फिर भी बाहुबली की तरफ से टिप्स और ज्ञान भी दिया जाता है यूट्यूब के माध्यम से, उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि जो बाहुबली का ई रिक्शा इस्तेमाल कर रहे हैं अगर उन्हें कुछ समझ ना आए तो वो कहाँ से जानकारी ले सकें, इसके बारे में बताना चाहेंगे? देखिए, अगर हमारे ग्राहक हैं बाहुबली चलाते हैं, जहाँ से उन्होंने अपनी ई रिक्शा लिया है कोई भी समस्या आती है सीधा वहाँ जाएँ और समस्या के बारे में बताएँ। अगर वो वारंटी के अंतर्गत है तो उसको वारंटी के हिसाब से ठीक किया जाएगा, अगर वारंटी से बाहर है तो उचित मूल्य लेके उसको भी ठीक कर दिया जाएगा, लेकिन परेशानी किसी को नहीं आएगी। सबसे सरल रास्ता यही है कि जहाँ से लिया है वहीं दिया जाए। वाह, ये तो कस्टमर की बात हो गई सर, हम अब डीलरशिप की बात करेंगे। जो बाहुबली का डीलरशिप लेना चाहते हैं, चाहे वो कहीं से भी हों, यूपी से हों, बिहार से हों या फिर कहीं भी राज्य से हों, तो वो कैसे डीलरशिप ले सकते हैं? देखिए, आज बाहुबली का डीलरशिप, वो मुझे खुशी हो रही है बताते हुए कि बाहुबली का डीलरशिप वही लोग ले सकते हैं जो अपने जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, अपने जीवन में कुछ पाना चाहते हैं। बाहुबली डीलरशिप आज सभी के लिए लेना इतना आसान नहीं है, वही लोग ले सकते हैं जिन्होंने अपने जीवन में कुछ प्रूफ करना है और जीवन में कुछ पाना है। और अगर बात करें डीलरशिप कैसे ले सकते हैं, क्योंकि हम सिलेक्टेड लोगों को ही डीलरशिप देते हैं, जिन लोगों के पास नॉलेज है, जिन लोगों के पास रिसोर्सेज हैं उन्हीं लोगों को हम डीलरशिप देते हैं। सरल तरीका तो ये है कि हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है और वो नंबर मैं आपको दे दूंगा, उस नंबर पे बात करके आप सीधा डीलरशिप की बात कर सकते हैं। हमारी जो सेल्स कंसल्टेंट हैं वो आपसे बात करेंगे, हमारी टीम और सेल्स कंसल्टेंट गाइड करेंगे कि किस तरह से डीलरशिप चला सकते हैं, क्या डीलरशिप आपको लेनी चाहिए, किस लोकेशन पर लेनी चाहिए, कितना इन्वेस्टमेंट आपका होगा, वो सारी की सारी जानकारी जो हमारे सेल्स कंसल्टेंट हैं वो देंगे। सर ज़्यादा समय भी नहीं लेना चाहेंगे आपका, रिक्शा के बारे में आपने सारी जानकारियाँ दे दी। जो बाहुबली के कस्टमर हैं उनको आप क्या कहना चाहेंगे या फिर जो बाहुबली से जुड़ना चाह रहे हैं बाहुबली को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे बाकी लोगों से? जी देखिए, जो हमारे कस्टमर हैं उनको तो मैं ही कहना चाहूँगा कि अब दिवाली का समय है और खूब ई रिक्शा चलाइए और खूब पैसा कमाइए। छठ पूजा भी अब आ रही है और ये समय है, साल में एक ही बार आता है, इस समय को पूरा उपयोग करिए, अपनी रिक्शा को अच्छे से मेंटेन करिए, समय पे सर्विस कराइए, साफ़ सुथरा रखिए, जितना ज़्यादा साफ़ सुथरा रखेंगे उतना ज़्यादा ग्राहक आके ई रिक्शा पर बैठेगा जी।
और रिक्शा की प्रॉपर बैटरी का मेंटेनेंस रखें। मैंने देखा कुछ जगह लोग रिक्शा गंदी रखते हैं, गंदी रखते हैं तो ग्राहक थोड़ा दूर भागेगा। तो बेसिक मेंटेनेंस करिए, ग्राहक से प्यार से बात करिए, ताकि ग्राहक दूर से ही रिक्शा चालक को देख के बोले हमें इसी रिक्शा में बैठना है, हमें बाहुबली में ही बैठना है, तो एक लगाव हो जाएगा। और जो हमारे डीलर बंधु हैं जो हमसे जुड़ना चाहती हैं, बाहुबली रिक्शा लेना चाहते हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि देखिए डीलरशिप बारी बारी नहीं ली जाती है, ऐसा नहीं होता, व्यापार आप बारी बारी बदलेंगे, तो एक बार सोच समझ के ठोक बजा के काम शुरू करिए। जिसके साथ करिए वो ऐसा काम करिए कि आपका नुकसान ना हो, आपको 100% मनी बैक गारंटी मिले। अगर आपका काम नहीं चलता, आपका माल नहीं बिकता, आपको पैसे वापसी गारंटी मिलनी चाहिए, पहला। दूसरा, इनफ फाइनेंस टाइप्स होने चाहिए, जो लोग डीलरशिप ले रहे हैं फाइनेंस के टाइप होने चाहिए, ताकि रिक्शा बेचने में उनको सुविधा हो, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के पास पैसा नहीं है कि पूरा पैसा दे के रिक्शा कैश में खरीद पाएंगे वो। तीसरा, ऐसी कंपनी के साथ काम करें जो आपको गाइड करें किस लोकेशन पे शोरूम खोलना है। ज़्यादातर लोग फेल इसी कारण से होते हैं कि गलत शोरूम की लोकेशन वो तय कर लेते हैं। चौथा, आप ऐसे कंपनी से जुड़े जो मार्केटिंग में भी सहयोग करें। ऐसा नहीं कि आपने पैसा दिया, रिक्शा ले लिया और कंपनी का अता पता ही नहीं है, आपको सहयोग ही नहीं कर रही है जी। तो ऐसी कंपनी के साथ जुड़ें जो पूरा बिजनेस मॉडल दें आपको, जहाँ पर माल खरीदना, माल बेचना, सर्विस, ट्रेनिंग, आफ्टर सेल सर्विस, ग्राहक को जोड़ना, पूरा एक बिजनेस मॉडल दिया जाए, ताकि एक अनजान व्यक्ति भी डीलरशिप लेके पैसे कमा पाए। एक ऐसी कंपनी के साथ जुड़ना चाहिए और वो सारा के सारा सिस्टम, सारा के सारे ट्रेनिंग का प्रोसेस बाहुबली करता है। जो लोग हमसे जुड़ना चाहते हैं, हमारी वेबसाइट है www.bahubaliirikshaw.com, उससे भी जुड़ सकते हैं, और अब आपके चैनल के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं हमसे। बिल्कुल, नंबर हम दे देंगे आपको जी। बिल्कुल अच्छी बात कही आपने। बाकी हम जितने भी ऑडियंस देख रहे हैं, हम उनको कहना चाहेंगे, और जो खास करके रिक्शा खरीदना चाहते हैं या फिर रिक्शा की डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो मैं एक बात बता दूं, आप पिछला वीडियो जाकर देख सकते हैं कि बाहुबली ई रिक्शा का मैंने रिव्यू किया है और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का। मुझे लगता है कि बाकी रिक्शा फीके पड़ जाएंगे, दूर दूर तक नज़र नहीं आएंगे बाहुबली के सामने। जो बाहुबली नाम है वो सच में उसकी शक्ति भी दिखेगी। तो अगर बाहुबली ई रिक्शा खरीदना चाहते हैं या फिर डीलरशिप लेना चाहते हैं, तो दिए गए नंबर पर संपर्क कीजिएगा। और अच्छा पैसा कमाना है और पूरे मार्केट में छा जाना है, तो कहीं नहीं जाना है, बाहुबली ई रिक्शा घर लाना है।